अपने ही अक्स के लोग मिलने लगे, दुरस्तों को छोड़ पगडंडियों पे चलने लगे। अपने कर रहे हैं प्लस टू बायोलॉजी और इसके अंदर अपनों ने स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें अपनों ने ऑक्सिन्स को प्रारंभ किया था, ऑक्सिन्स के टाइप कर लिए। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो ऑक्सिन्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स रहेंगे ऑन प्लांट्स। प्लांट पर, पादपों पर किस तरह से ऑक्सिन प्रभाव डालता है, उनकी वृद्धि को किस प्रकार से ऑक्सिन प्रभावित करता है, वो पढ़ने वाले। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे, कुछ प्रभाव मैंने यहाँ लिखे, बाकी प्रभाव अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहला कौन सा है? सेल इलोंगेशन, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिकाओं का आकार बढ़ाना। पहला क्या प्रभाव है? ऑक्सिन है वो कोशिकाओं का आकार बढ़ा देता है, जिसको कोशिका दीर्घीकरण या सेल इलोंगेशन बोलते हैं। इसी वजह से जो शूट है और रूट है वो कौन से प्रभाव दिखाते हैं? फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। फोटोट्रोपिज्म शो करेंगे, प्रकाश अनुवर्तन जिसको बोलते हैं। इसी तरह से जियोट्रोपिज्म भी शो करते हैं, चाहे वो प्लांट का रूट वाला पार्ट हो या शूट वाला पार्ट हो। अगर वो प्लांट का रूट सिस्टम है तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, जिसको अपने बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है? प्रकाश के प्रति क्या अनुक्रिया दर्शाता है कौन? पादप। तो अगर वो तना है तो पॉजिटिव, तना है तो वो पॉजिटिव जियो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगा। एफडब्ल्यू बैंड के प्रयोग में अपनों ने देखा है कि पादप का जो तने वाला भाग या प्ररोह वाला भाग है, शूट वाला पार्ट है, वो बैंड हो जाता है, वक्रित हो जाता है प्रकाश स्रोत की तरफ, यानी लाइट की तरफ। जियोट्रोपिज्म की और अगर वो बात करें अपने किसकी, रूट की, रूट कहां जा रही है? गहराई में, जमीन की गहराई में जा रही है। जड़ें जमीन की गहराई में जा रही है तो वहां प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करती है। तो अगर अपने तने के बजाय अगर रूट की बात करेंगे तो वहां लिखा आएगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। इसी तरह से जियोट्रोपिज्म यानी गुरुत्वानुवर्तन, ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति कर रहा है प्लांट या उसकी विपरीत दिशा में। अगर तने की बात करें तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या हो जाएगा? अगर तने की बात की जा रही है, प्ररोह की बात की जा रही है, तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। ठीक है, केंद्र की ओर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, वो खींच लेता है जड़ों को अपनी ओर। जड़ें तो उसी दिशा में गति कर रही, तो जड़ें क्या हो जाएगी? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। और शूट वाला जो पार्ट है वो करेगा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म या ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि तने की वृद्धि है वो आकाश की ओर हो रही है और भूमि से दूर हो रही है, या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में गति कर रहा है। इसलिए तने का जियोट्रोपिज्म कैसा हो जाएगा? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो ये सेल इलोंगेशन की वजह से होता है, जो कोशिकाओं का आकार बढ़ता है और अंधकार में क्षेत्र में क्या बनता है? अपना ऑक्सीजन बनता है, वो एफडब्ल्यू बैंड ने सिद्ध कर दिया था, बता दिया। अगर उनसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, तो दिमाग में बिठा लेना अपने को कि वो सेल इलोंगेट करता है, सेल का साइज बढ़ा देता है। दूसरा अपना पॉइंट रहेगा एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रभाविता। क्या कह रहा हूं? शीर्ष प्रभाविता। देखिए, जब तक ऑक्सिन बन रहा है कहां पर बन रहा है? शूट अपेक्स पर, शीर्ष प्ररोह पर, या तने के सबसे ऊपर वाले भाग पर बन रहा है, या प्ररोह के सबसे ऊपर वाले भाग में बन रहा है। जब तक वो बन रहा है तब तक क्या होगा? प्राइमरी ग्रोथ होती है, तने की प्राथमिक वृद्धि होती है, और तना या पादप है वो ऊंचाई में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, और उसकी जो शाखाएं वो कम निकलती हैं, साइड में जो साइड ब्रांचिंग होती है वो कम हो पाती है, शाखाएं कम विकसित हो पाती हैं। तो अपने अगर एपिकल बड को काट दें, एपिकल बड क्या होती है? अगर अपने तने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तने की या शूट की, प्ररोह की बात करें, तो सबसे ऊपर एक पत्तीनुमा संरचना निकलती है, अगर उसको अपने काट दें तो पादप की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। यही जो पत्तीनुमा संरचना हो क्या है, इसी को अपने क्या बोलते हैं? शीर्ष कलिका, शीर्ष कलिका कहेंगे। एपिकल
बट बोलेंगे, लेकिन इससे फ्लावर नहीं बनेगा। इससे क्या हुआ, इस कलिका से, इस एपिकल बड से प्लांट की लंबाई में, ऊंचाई में वृद्धि होती है, और अगर इसी को काट दिया जाए तो प्लांट है वो, उसकी लंबाई रुक जाएगी, उसमें हाइट इंक्रीज होना बंद हो जाएगा और प्लांट को मौका मिलेगा कि वो साइड से ब्रांचिंग स्टार्ट कर दे, साइड से शाखाएं निकालना प्रारंभ कर दे। क्यों? क्योंकि शीर्ष कलिका या एपिकल बड में क्या बन रहा है, ऊपरी ऊपर हमने देखा कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और वो ऑक्सीजन है वो दूसरी जो कलिकाएं हैं, दूसरी कौन सी, ये जो साइड में कलिकाएं निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको लेटरल बड या एक्सिलरी बड बोलते हैं, कक्षस्थ कलिकाएं। उससे किसका निर्माण होता है, उससे शाखाएं निकलती हैं। अगर अपने कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि चाहते हैं, जो साइड में कलिकाएं बनेगी जो आगे चलकर शाखाओं का निर्माण करेगी, तो अपने को शीर्ष कलिका एपिकल बड को काट देना पड़ेगा, क्योंकि इसे शीर्ष कलिका में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, और ऑक्सीजन ही शीर्ष प्रभाविता दर्शाता है। शीर्ष प्रभाविता का मतलब है कि जो शीर्षस्थ कलिका एपिकल बड है उसकी वजह से प्लांट है वो हाइट इंक्रीज करता है और जो उसकी शाखाओं की वृद्धि नहीं हो पाती। अगर अपने को शाखाओं की वृद्धि करवानी तो शीर्ष कलिका को काट दिया जाएगा, जिससे उसकी शीर्ष प्रभाविता समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों करेंगे, प्लांट कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जैसे मेहंदी का प्लांट होता है, गार्डन में देखा होगा मेहंदी का प्लांट, उसकी ऊपर से प्रूनिंग कर देते हैं, छंगाई कर देते हैं, काट देते हैं, तो एपिकल बड काटने से वो बुश में तब्दील हो जाता है, झाड़ी में बदल जाता है, गार्डन में वो अच्छा दिखता है। इसी तरह से अपने ग्राम चने की भी बात कर सकते हैं, तो दो एग्जांपल अपने याद रख सकते हैं। तो ग्राम, मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एपिडोमिनेंस की, तो ग्राम और दूसरा क्या, मेहंदी। चलिए तीसरा अपना पॉइंट है, तीसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कौन सा, तीसरा कारकी प्रभाव कौन सा है जो पादपों पर डाला जाता है, वो कौन सा है, वो है रूट इनिशिएशन, जड़ों का प्रारंभन, जड़े बनना स्टार्ट होगा। तो अगर अपने को किसी कलम, जिसको अपने सायोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सायोन, अपने कलम लगाते हैं, जैसे गुलाब का एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी अपने सायोन काट लेते हैं, कलम ले लेते हैं, डंडी ले लेते हैं, और उसको पहले अगर अपने आईबीए किसमें, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड में डिप करके रखें, उससे उपचारित करें, उससे ट्रीट करें, तो क्या होगा, जो कलम है उसमें जड़ों का निर्माण जल्दी अतिशीघ्र प्रारंभ होगा। मैं बता चुका हूं कि आईबीए जो है वो एक रूटिंग हार्मोन है, जो जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है। तो कलम या सायोन को पहले किससे डिप करेंगे, किससे ट्रीट करवाएंगे, आईबीए से, उसके बाद उसको जमीन में लगाएंगे तो रूटिंग जल्दी स्टार्ट होती है। तो ये रूट इनिशिएशन, जड़ों का प्रारंभन, तो कौन करता है, वो भी ऑक्सीजन करता है। वहां पर अपने को एग्जांपल क्या रखना है, आईबीए का, किस टाइप का ऑक्सीजन है, ये रूटिंग हार्मोन है, ठीक है। अब अपने बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग, तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि लॉजिंग क्या है। देखिए जैसे गेहूं है, राइस है, ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं, हर्बेसियस प्लांट होते हैं, और इनका जो तना होता है वो काफी शाखीय प्रवृत्ति का होता है, काफी हर्बेसियस होता है, तो हवा चलने से या बारिश होने से वो बेंड हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्लांट है वो झुक जाते हैं वापस किसकी तरफ, जमीन की तरफ, और जो प्रोडक्टिविटी है, फसल की जो उत्पादन क्षमता है प्रभावित होती है, फसल चौपट हो जाती है। तो इसी को अपने, ये जो बेंडिंग हो रही है दोबारा किसकी तरफ, जमीन की तरफ, प्लांट सीधा खड़ा नहीं रहता, वो हवा के तेज चलने से या वर्षा ज्यादा होने से वापस भूमि की तरफ बेंड हो जाता है, इसको लॉजिंग बोलते हैं। अगर ये इसी तरह से होता रहे तो जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, फसलों की उत्पादन क्षमता है, वो कम हो जाएगी, या उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी, फसल चौपट हो जाती है। इसे रोकने के लिए अपने क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग करते हैं, उसमें भी अपने क्या करेंगे, ऑक्सीजन का प्रयोग करें, अपने को लॉजिंग को रोकना है। प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग का मतलब क्या, लॉजिंग को रोकना, किस तरह से इस चीज को होने से रोकना है अपने को, तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे। जब प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है, आइवरी ग्रोथ कर रहा होता है जब प्लांट, तो अपने क्या करेंगे, उस पर छिड़काव करेंगे, स्प्रे कर देंगे ऑक्सीजन का, तो क्या होगा, उसका जो स्टेम है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगी उसमें, उसमें मजबूती आएगी और वो हवा से बेंड नहीं होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग में भी अपने ऑक्सीजन लिख सकते हैं।
पता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्थिनोकार्पी जिसको हम बोलते हैं अनिषेक जनन, क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन, नाम से पता लग रहा है बिना निषेचन के ही क्या होगा, ओवेरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अनिषेक जनन का मतलब क्या है? फ्रूट प्रोडक्शन या फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के ही जो अंडाशय है ओवेरी है वो फ्रूट में फल में बदल जाती है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, सीड लेस फ्रूट प्रोडक्शन, बीज रहित फलों का निर्माण होना क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी या अनिषेचन। अपने को पता है अंडाशय होता है, फूल के अंदर क्या होता है? अंडाशय होता है ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओव्यूल रहते हैं, ओव्यूल या बीजांड, वो बीजांड या ओव्यूल आगे चलकर निषेचन के बाद, निषेचन वहीं पर होता है ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल आगे चलकर सीड में बदलते हैं। तो सीड तब बनेंगे जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगा, ओव्यूल के अंदर किसी तरह का कोई निषेचन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, वो ओवेरी जो है वो जो अंडाशय है वही बदल रहा है किसमें, सीधे सीधे वो फल में बदल रहा है, लेकिन उसमें बीज नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। मैंने कहा अनिषेक जनन है, बिना निषेचन के ही जो ओवेरी है वो डेवलप हो रही है किसमें, फ्रूट में, तो वहां पर सीडलेस फ्रूट बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपने क्या लिख सकते हैं, जो सिट्रस फ्रूट है जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वाटरमेलन और ग्रेप्स हो गया, अंगूर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनके अंदर अब बीज नहीं बनेंगे। कब नहीं बनेंगे? जब वो पार्थिनोकार्पी से निर्मित होंगे, अनिषेक जनन के बाद जो फल बनेंगे उनमें बीज नहीं होंगे। वो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, अब इसको ढंग से समझ लेते हैं। ये क्या है? ये कार्पल है, जायांग जिसको बोल देते हैं। अब यहां पर ये क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवेरी, ये वाला पार्ट क्या, ओवेरी या अंडाशय, और इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल है ये, बीजांड, यही आगे चलकर बीज बनाता है। लेकिन अब बीज नहीं बनेंगे क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो ओवेरी है, अंडाशय है, उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब ये साइज बड़ा हो जाएगा तब इसको फल बोल देते हैं। तो साइज क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि अपनों ने पढ़ा कि इसका कोशिका पर क्या प्रभाव होता है, ऑक्सीजन का, वो कोशिकाओं का आकार बढ़ा देता है। जो कोशिकाओं का आकार, किनकी कोशिकाओं का आकार, जो अंडाशय के अंदर कोशिकाएं उनका आकार बढ़ेगा तो फल तैयार हो जाएगा। बढ़ी हुई अंडाशय जो है, बढ़ा हुआ ओवेरी जो है, उसी को तो अपने क्या बोलते हैं, उसी को अपने बोलते हैं फ्रूट। लेकिन इसके अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। ये करेंगे कैसे? अपने को पता है ये जायांग है, या कह सकते हैं कार्पल है, इसके अंदर ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड है, साइड में क्या लगे हुए हैं, ये आप उन्होंने दिखा दिए, पुंकेसर या स्टेमन या मेल पार्ट, इसको हटा देंगे, इसको बोलते हैं ईमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? ईमैस्कुलेशन या विपुंसन। जब मेल पार्ट को हटाया जाए फ्लावर में से तो उसको बोलते हैं विपुंसन या ईमैस्कुलेशन। ये मेल पार्ट हटा दिया, इसका मतलब उन्होंने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोक दिया, क्योंकि ये होंगे तभी क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर परागकण आएंगे, पोलन ग्रेन्स आएंगे, तभी क्या होगा, पोलिनेशन होगा, उसके बाद ही क्या होगा, उसके बाद ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जब यही हटा दिया, अब उन्होंने मेल पार्ट हटा दिया तो फर्टिलाइजेशन रुक गया, तो फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा। अब क्या काम करना पड़ेगा, इस स्टिग्मा के ऊपर, इस स्टिग्मा के ऊपर, इस वर्तिकागर के ऊपर अपने स्प्रिंकल करेंगे, छिड़क देंगे, किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की किसी भी टाइप को, अपने मोस्टली अपने आई ए ए को स्प्रिंकल करेंगे। तो स्प्रिंकल करने के बाद क्या हुआ, ये डिफ्यूज होकर, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां पहुंचेगा, ओवेरी तक, अंडाशय तक, और उसका आकार बढ़ा देगा। ओवेरी का बढ़ा हुआ आकार ही क्या होगा, वो फल कहलाता है, और उसके अंदर फ्रूट, उस फ्रूट के अंदर क्या नहीं बनेंगे, सीड नहीं बनेंगे, तो सीड लेस फ्रूट तैयार होते हैं, ऑरेंज, लेमन, मेलन एंड ग्रेप। तो ये अपना हो गया
पार्थिनोकार्पी। लास्ट बच गया कंट्रोल ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रसुप्तावस्था या सुप्तावस्था, इसकी बात भी अपने पहले ही कर ली थी। देखिए अपनों ने ऑक्सिन पढ़ रहे हैं, अपने ऑक्सिन पढ़ रहे हैं, ऑक्सिन किस में डाला गया, किस में रखा गया, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन में, जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं, ऐसे हार्मोन की श्रेणी में ऑक्सिन को रखा गया। लेकिन फिर भी इसमें एक एक्सेप्शन है कि ग्रोथ को प्रमोट तो करता है, लेकिन एक काम में क्या काम कर रहा है, ग्रोथ को या वृद्धि को दबा रहा है, ग्रोथ नहीं होने दे रहा, ग्रोथ पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है, वो कौन सा है, डॉर्मेंसी। ये क्या काम करेगा, ऑक्सिन है वो डॉर्मेंसी पीरियड को बढ़ा देता है, प्रसुप्तावस्था को बढ़ा देता है। मैंने जब NAA की बात की थी, इसकी बात की थी, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड इसका यूज करते हैं अपने 3 साल के लिए, किसका, अपने 3 साल के लिए पोटैटो आलू को जब अपने को स्टोर करना हो, स्टोरेज करना हो, किसका, पोटैटो का, गोडाउन्स के अंदर, गोदाम के अंदर, तो वहां अपने नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक ऑक्सिन का टाइप है। उससे क्या होता है, प्रसुप्तावस्था, किनकी, आलुओं की प्रसुप्तावस्था, डॉर्मेंसी पीरियड बढ़ जाता है। प्रसुप्तावस्था का मतलब घर पे पड़े पड़े आलू क्या होते हैं, उगाते हैं, ये जर्मिनेट हो आते हैं, तो आलू खराब हो गए, तो उससे बचने के लिए अपने क्या करेंगे, गोडाउन के अंदर NAA का छिड़काव करेंगे, जिससे क्या होगा, उसकी जो बर्ड्स हैं, कलिकाएं हैं, आंखें हैं आलुओं के ऊपर, वो उगेंगी नहीं, मोटी भाषा में बात करें, उसकी डॉर्मेंसी बढ़ जाएगी और अपना काम आसान हो जाएगा, अपने लंबे टाइम के लिए पोटैटो को स्टोर कर सकते हैं। तो आज अपनों ने ये 5-6 कुछ इफेक्ट देखे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखे, किसके, ऑक्सीजन के, किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। कुछ और इफेक्ट भी है जो अगले लेक्चर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।